हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से CLW में जो है IOW का जॉब कैसा होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि एक्चुअली बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, तो उसमें जब आपकी पोस्टिंग होगी तो एज ए IOW, उसमें ज़्यादातर केसेस में जो है CLW में जो रेलवे का जो इलेक्ट्रिक जो इंजन होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसमें बनाए जाते हैं। तो उसमें अगर आप IOW रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि जितने भी जो स्टाफ उस कंसर्न CLW में काज करते हैं उनके क्वार्टर में जो है कुछ मेंटेनेंस या कॉलोनी में रोड का कंस्ट्रक्शन से संबंधित या CLW का जो अपना प्रॉपर जो बिल्डिंग वगैरह है उसमें कुछ मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है तो वो काज रहता है। वाटर सप्लाई वगैरह भी रहेगा आपका, तो ये सब कार्य देखना रहता है। कॉलोनी का रोड का भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो इस तरीके का कार्य वगैरह IOW अगर आप रहेंगे CLW में तो कार्य रहता है। तो वर्कलोड वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, और ये छोटी मोटी जो वर्क है उसके लिए आपके अंडर स्टाफ वगैरह रहता है, उसके द्वारा ये कार्य करवाना पड़ता है, या इसके अलावा जिसे स्टाफ नहीं है तो कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी स्टाफ अवेलेबल रहते हैं, उनके द्वारा ये सारे कार्य आपको कंसर्न स्टाफ से जो कंप्लेन करता है उनको करके देना है, या कोई हायर ऑफिसर बोला है कि यहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो उसका जो प्लान वगैरह लेआउट वगैरह होता है वो जो कंसर्न कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू ही सारे कार्य होते हैं। तो कॉन्ट्रेक्टर जो है वो प्लान लेआउट वगैरह बनाता है, ड्राइंग वगैरह, उसके बाद अप्रूव होने के बाद जो है फील्ड पर वो चीज़ कार्य करता है, वो बिल्डिंग या रोड बनाएगा, तो उसको जो है आपको सुपरवाइज करना था उसके कार्य को। तो वर्कलोड वगैरह काफ़ी कम होता है, तो यही सब वर्किंग रहता है CLW IOW में। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में IOW पर क्या वर्किंग होता है इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया। अगर आपको चैनल करता है जो लाइक सब्सक्राइब से कर धन्यवाद।